या ख्वाजा गरीब नवाज अल्पसंख्यक बहुदेशीय संस्था द्वारा सर्कस मैदान पर भव्य सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसके समारोह के अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष सरफराज गोंटिल द्वारा प्रति शादी जोड़ों को 1,00,000 के ऊपर का जीवन का सभी सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। 4 बजे प्रताप लॉन से दूल्हे की बारात निकाली गई। तत्पश्चात शादी की रस्म रिवाज की गई। इसके पश्चात अनीस साबरी की कव्वाली से जनसमूह झूम उठा। प्रमुख अतिथि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज राहंगडली, उद्योगपति नरेश पुगलिया व पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि इस दौरान उपस्थित थे। फिर से मैं एक बार हमारे गोपाल भाई ने जो एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस, उसके साथ कृषि महाविद्यालय और एक अच्छा शादी खाना, इंशाअल्लाह आने वाले साल में वो शादी खाना भी बनेगा। अभी 2 तारीख तक मुझे मेरी जबान को लगाम है, मतलब आचार संहिता है, नहीं तो लोग बोलेंगे बहाना मार रहा है, तो बहाना मारने का काम ही नहीं। अपना काम डायरेक्ट है और वो डायरेक्ट मैं आपको ही दूंगा। और इंशाअल्लाह अन करीब 2 तारीख आने वाली है, 2 फरवरी को खत्म होगा। गोपाल अग्रवाल साहब जब और डबल से बुलाएंगे तो डबल इंजन के साथ मैं यहाँ आऊंगा। शिंदे सरकार के साथ देवेंद्र जी फ्री में रहेंगे, एक के साथ एक फ्री। फिर से एक बार सब बहनों को, भाइयों को, हमारे दुल्हा दुल्हन को मेरी तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इस महाराष्ट्र का कृषि मंत्री इस नाते से उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस नए जोड़ों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के इस फरमाने जिशान के मुताबिक निकाह में आसानी करो, निकाह मेरी सुन्नत है, आपके सामने मौजूद है और हम आपके दुआओं के मुंतजिर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाने गोंदिया इन नए जोड़ों के लिए सामान गृहस्थी लगने में सामान हर साल तोहफे के तौर पर मुहैया कराती है। आप सभी मेहमान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ मैं। हर बार की तरह इस जलसे के लिए अपना अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इन निकाही जोड़ों को अपनी दुआओं से नवाजा। हमारे जेरे निगरानी माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल साहब के निगरानी में इस जलसे को अंजाम दिया गया और हर साल दिया जाएगा। सालों में हमने निकाह करवाया है और जिस प्रकार की बात सरफराज जी कह रहे थे कि बड़े लोगों ने भी शादी निकाह के इस कार्यक्रम में करना चाहिए, इज्तिमाई शादी में करना चाहिए, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों से सत्तार भाई के नेतृत्व में 1,00,000 लोगों के उपस्थिति में सिल्लोड़ में हर साल 500 जोड़ों का निकाह हमारे सत्तार भाई करवाते हैं। और ये सिलसिला कभी रुका नहीं, कोरोना भी रोक पाया नहीं। कोरोना के कार्यकाल में भी सत्तार भाई ने एक एक मंगल कार्यालय में 5-5 जोड़े किए। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके में मेरा काम होता है, नबी वाले मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है। मुझे आराम होता है, सुन ले।